Good morning, student. How are you? I hope you are safe at your home. Okay, Prav student. मैं डेली आपसे मिलती हूँ. डेली हम वीडियोस बनाते हैं. डेली हम टीचर आपको वर्ड बताती हैं. और टीचर डेली एक मैसेज भी आपको दे रही हैं. वो क्या मैसेज है? टीचर आपको ये कह रही हैं कि आपने लर्निंग नोट्स स्कूल से बाय करनी है. जिन स्टूडेंट ने स्कूल से बाय नहीं किए वो स्टूडेंट जल्दी से स्कूल से लर्निंग नोट्स को बाय कर लें, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने लर्निंग नोट्स बाय कर लिए उनको पता है कि हमने बहुत सारा वर्क कर लिया है, राइटिंग की है, राइटिंग सीखी है. आदिशकाल टीचर ने आपको मेक करना बताया है, हमने काउंटिंग इन वर्ड्स किया है, काउंटिंग की है 1 to 100 और बहुत सारी न्यू चीज़ें हमने कर ली हैं. तो जिन स्टूडेंट ने बाय नहीं किया वो अपने मामा पापा के साथ आए स्कूल और इसको बाय कर लें. आप देख रहे हैं मेरी टेबल पर लर्निंग नोट्स हैं. ऑनलाइन लर्निंग क्लास प्रेप के लिए टीचर ने ये डिज़ाइन किया है लर्निंग नोट्स. आपने इसको बाय करना है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन वाला वर्क है. आपको इजी वर्क टीचर ने दिया, आप जल्दी से ये कर लोगे. जो न्यू चीज़ें हैं वो टीचर आपको गाइड कर रही हैं, बार बार बता रही हैं कि आपने किस तरह राइटिंग करनी है और किस तरह इसको लर्न करना है. चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ. आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है उर्दू का. उर्दू में आज हमने क्या वर्क करना है टीचर आपको लर्निंग नोट से बताती है. ओके, सबसे पहले आपने उर्दू का पोर्शन ओपन करना है. ओके, उर्दू का जब आप ओपन पोर्शन ओपन कर लेंगे तो पेज नंबर 3030 आपके पास पेज नंबर है 3030 जिस पर टू मेक किए हुए क्लाउड्स. ओके, आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आदि इशकाल के बारे में बताया था ना टीचर ने आपको. वेरी गुड, आपको टीचर ने ये फुल पेज रीड कर बताया था और टीचर ने आपको ये भी बताया था हर्फ की आदि इशकाल को हम बोलते हैं. जैसे हम बे राइट करते हैं तो उनके हाफ फेसेस को हम क्या बोलते हैं? आदि इशकाल. आप चेक करो जो फर्स्ट लाइन है बे पे ते टे से, ये सब बे की फैमिली के हाफ फेसेस राइट हुए हैं. उसके बाद जीम की फैमिली के फेसेस हाफ राइट हुए हैं. उसके बाद सीन की फैमिली के, ज़्वाज़्वा की फैमिली के, फिर आइन घाइन के हाफ फेस राइट हुए हैं. इसी तरह आगे फे है काफ गाफ ला मीम नून हे ये क्या होता है जिसे हम बोलते हैं छोटी है बड़ी है, ये उनके हाफ फेसेस हैं. तो आपको टीचर ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बे की फैमिली को बिग भी बताया था और बे की हाफ फेस भी टीचर ने आपको बताया था. आज हम आप टीचर आपको जीम के बारे में बताएंगे कि जीम के हाफ फेसेस कैसे होते हैं और इसको कैसे हम राइटिंग करते हैं. टीचर अब आपको वो एक्सप्लेन करेंगे. ओके, अब आप रेडी हो जाओ टीचर के साथ. अब हम वर्क करेंगे बोर्ड पर. ओके जी प्रभ, क्या जैसे मैंने आपको बोला था कि हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, हम टीचर अब बोर्ड के पास आ गए हैं. अब टीचर ने अपना बोर्ड रेडी कर लिया है. जैसे आप देख रहे हो हमारा आज उर्दू का सब्जेक्ट है और जो हमारा टॉपिक है जो आज हमने लर्निंग करनी है वो क्या लर्निंग करनी है? आदेशकाल की. आपको टीचर ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बे की फैमिली की राइटिंग बताई थी कि बे की फैमिली कैसे हम राइट करते हैं और उनके हाफ फेसेस हमने कैसे राइट करना है. टीचर ने आपको लास्ट वीडियो में वो बताया था कि बे का हाफ फेस कैसे राइट करते हैं, पे का, ते का, टे एंड से का हम हाफ फेसेस कैसे राइट करते हैं. टीचर ने आपको वो बताया था, आपने टीचर के साथ राइटिंग भी की थी. ठीक है, अब आपने टीचर को फीडबैक भी देना है. आपने अपने वर्क की पिक्चर सेंड करनी है टीचर को ताकि टीचर को पता चले कि आप वर्क कर रहे हो टीचर के साथ साथ कर रहे हो और फॉर्मेशन के साथ कर रहे हो. ओके, आज हमने पढ़ना है जीम की फैमिली के बारे में, जीम के खानदान के बारे में. जीम के आप देखो जीम के 4 भाई होते हैं. एक होता है जीम, एक होता है छे, हे खाली होते हैं, इसके पास कोई डॉट नहीं होता, ना बेली में होता है और ना ही इसके हेड पर होता है. और लास्ट वाला क्या होता है? खे के हेड के ऊपर 1 डॉट होता है. इसके बेली में कोई डॉट नहीं होता है, इसके हेड के ऊपर 1 डॉट होता है. ओके, अब ये देखिए टीचर ने जीम बिग राइड किया हुआ है, फुल फेस राइड किया हुआ है और उसके साथ टीचर ने जीम का हाफ फेस मेक किया हुआ है, आधी शक्ल जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और जीम के पास कितने डॉट्स होते हैं? 1. बिग बेली में आप जब हम बिग फेस राइट करते हैं तो उसके बेली में डॉट लगाते हैं और जब हम आधी शक्ल राइट करते हैं तो उसके साइड पर हम डॉट्स लगाते हैं. तो ये क्या था? जीम. अब जीम के बाद कौन सा वर्ड आता है? चे. और चे की बेली के अंदर कितने डॉट्स होते हैं? 3. 1, 2, 3. ओके, ये चे का फुल फेस है.
आपने अपनी प्रीवियस क्लास नर्सरी में भी किया है, अब आप प्रेप में भी कर रहे हो और इसके साथ साथ आप न्यू वर्ड भी सीख रहे हो। आधी शक्ल ये देखेंगे, चे की हाफ फेस है, आधी शक्ल है। कैसे राइट हुआ है? जैसे जीम का फेस राइट किया था वैसे ही हम चे का फेस राइट करेंगे और इसके डॉट भी हम साइड पे राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हे। हे के अंदर कोई डॉट नहीं होता और टॉप पर भी कोई डॉट नहीं होता, ये एम्प्टी होता है और इसका हाफ फेस भी बिल्कुल जीम चे जैसा राइट करते हैं। ओके, उसके बाद है खे। खे के टॉप पर एक डॉट होता है और खे का जो हाफ फेस है वो बिल्कुल जीम चे हे और खे जैसा राइट करते हैं। ठीक है प्रेप स्टूडेंट, आज तो टीचर ने आपको सिर्फ ऑरल ऑरल बताया है ना कि कैसे राइटिंग करनी है, कहाँ डॉट होते हैं। टीचर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जीम की फैमिली की राइटिंग करना बताएंगे। ओके, अब आपने इसको लर्निंग करनी है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके प्रेप स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।